लखनऊ की मोहब्बत और हमारा बहुत बहुत मुबारक। टुकड़ा वो पढ़ दिए सब उसको भी एक चीज पढ़ा तो ये बात वो इतनी जरूरी थी कि एक टुकड़े को जो बोलों का गठन है वो कहते थे बिल्कुल शायरी की तरह कि महाराज क्या बोल के बाद दुशाएं दिखती थी यो गए उसकी तारीफ होती थी 5 मिनट फिर से पढ़िए ऐसा लगता था जैसे किसी शायर ने कोई शेर पढ़ दिया ऐसे टुकड़े त्याग का तारीफ होती रहती है। धागिनता का अब देखिए इसमें कितना खूबसूरत उन्होंने धागिनता शब्द को कैसे बार बार लगाया है। धागिनता का एक ही तो ऐसा जड़ा है जैसे कि हीरे जड़ दिए धागिनता पूरे जीवन में धार्जिनता इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसी ऐसी बंदिशें पुरानी लाजवाब और उतार चढ़ाओ उसके बोलों को जैसे सीढ़ियों में बोल चढ़ता है भाई। अमरदान खान साहब तिरको से कह लगे महाराज अब तो आपकी सब तालीम मुझे याद है मैं बजा देता हूँ। चले मैं यार वही नाचूंगा जो तुम जानते हो शुरू है अब इसी करतक धुंधन ने बीच के बोल गायब कर दिए आसान सोचे हमारा ये तो पूरा पूरी तस्वीर थी इसमें बीच में से गायब कहाँ से हो रही है अब कोशिश कर रहे बजाने की नहीं हो रहा था तो ये नाचने वाले को डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो तबला बजेगा ना चाहे तो नहीं बज सकता नहीं कर कोई बहाना निकलता तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। आपको ताजुब होगा कि ट्रेन में जब सफ़र ज़्यादा करता था मैं तो दिल्ली से कलकत्ते जा रहे हैं वगैरह वगैरह या कहीं कोई भी सफ़र में लखनऊ पड़ता था तो मैं प्लेटफॉर्म को कर छूता था प्लेटफॉर्म को चुन के रुक को उतर नहीं उतर के ऐसे करके जैसे तीर्थ स्थान है कथक का हमारे बाबा दादा ने जितना काम किया बस ज़मीन को ऐसे छू के फिर मैं ट्रेन में चढ़ जाता था। कानपुर तक आता था तो मन ऐसे तरसता था कि अरे 1-1.5 घंटे में और पहुँच सकता हूँ लेकिन लखनऊ निकल जाएगा मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। आज भी हवाई जहाज में जिस वक्त मैं सफ़र ऊपर करता हूँ तो मैं खिड़की से जानता हूँ कि लखनऊ जा रहा होगा शायद तो ज़रा झांक लें कुछ हिस्सा दिख जाए मुझे। ये मोहब्बत है सर मेरी जिसे कहा था किसी वक्त कि बाबू हमें लखनऊ से बाहर जाना पड़ेगा दिल्ली क्योंकि यहाँ यूपी में कुछ हो नहीं रहा है। इन शब्द से कि भाई अभी तो ज़रा मुश्किल है तो तब शमू महाराज जी फिर यहाँ से निकल गए। इसके पहले तो हम ही चले गए थे करीब करीब 53 में दिल्ली पहुँच गया था और मास्टर जी कहलाता था महाराज जी तो नहीं कहलाता था क्योंकि मैं छोटा ही था 13-14 साल की उम्र में हमारा हम वहाँ टीचर हो चुके थे संगीत भारती में। दिल्ली जब पहुँचे तो किसी को विश्वास नहीं था कि मैं काम भी कर सकता हूँ। कपिला वासन जी आई दिल्ली लखनऊ अम्मा से पूछा उन्होंने कि भाई
लड़का कुछ करता है, पर फिर उनके पिताजी ने जो सिखाया था वो जो भी थोड़ा बहुत तालीम हो उतना याद है। उसी जगह जहाँ पर हमें नौकरी मिली, मुश्किल से 125 रुपये ऐसे कुछ ऐसी था, बस ज़्यादा नहीं था। पर अम्मा को लेकर हमने, अम्मा को एक ही चीज़ हमें चिंता थी कि पिताजी के बगैर अम्मा की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, क्योंकि देर इज नॉट द डेप्थ ऑफ ट्रेनिंग। तो महाराज जी वगैरह कितना, मैंने स्वयं महाराज जी को देखा, महाराज जी के बुजुर्गों को तो इस तरह नहीं देखा, चाचाओं को देखा पर खड़े होकर नाचते हुए नहीं। महाराज जी ऑन द स्पॉट टुकड़े बनाते थे और नाचते थे। अभी बल्कि महाराज जी सरल सहज नाचने लगे हैं और कहते हैं वो दंगल वाला थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसलिए सीधा हो गया। दंगल वाला रूप अब नहीं है दंगू भैया, पहले तो दंगल होता था, मतलब जैसे चैलेंज पे तबला पखावज और डांसर करता था, तो वो तालीम इतनी गहरी होती थी। जैसे कि किसी ने भी, कोई अगर स्कॉलर हो, कोई भी एक चीज़ का अगर ज्ञान किसी को हो, कोई अगर कुछ पूछे उसका जवाब उसे मालूम होना चाहिए, तब तो उसकी विद्वता है। और केवल रटा पिटाया जो सीखा उतना ही हमको आता है तो वो तो कोई मतलब इट डजंट गिव यू एनी स्टैंडिंग एट ऑल। तो महाराज जी अच्छा ये डेवलप हुआ, पर नहीं आप फिर से मुझे बताइए कि तालों का समावेश कब से हुआ? ये सबसे बड़ी बात ये देखिए, 3 ताल हमारे यहाँ और साउथ में आधी ताल, इसका जो डिवीजन है 4-4 का, वो इतना खूबसूरत डिवीजन हो गया है कि जिसके अंदर आप समंदर, जिसके अंदर हर ताल कठिन से कठिन मात्राओं की जो गठन है बड़े आराम से चित्र दिखेगा। और फ्रेम ही टेढ़ा होगा तो उसमें चित्र तो पता नहीं कटा पीटा दिखेगा। तो जब फ्रेम पूरा साबित है तो उसके अंदर से तस्वीर पूरी तरीके से दिखाई पड़ती है। तो जैसे अब 11 मात्रा जिसको कहते हैं, कि अच्छे खासे जा रहे थे 11-10 तक गए, फिर एक तो उसमें एक तो फुलगी निकल आई फालतू में, दीना दी दीना तीना दी दीना, एक फुलगी क्या है। दिल्ली जब गए तो कह लेंगे कोर्स में चक्करदार, मैंने कहा चक्करदार कौन सी चीज़ है। अम्मा कह लेंगे जो एक चीज़ 3 बार होती तब संपर आती, मैंने ठोक दे रखी, फिर दे चक्करदार, दिल्ली में ऐसे पैदा हुए तो चक्करदार बना था यहाँ में। चलो ठीक कि भैया इसमें ये भी ज़रूरत पड़ सकती, तो कहना चलो भैया तुम्हारे क्या कहते हैं वो विशारद में फलान डाल दिया। मैंने कहा ये मैं सीना था वहाँ फरमाए। नहीं बिल्कुल आप ठीक फरमाने, ये शुरू से हमने भी जाना है जो तौर तरीके थे बोलने का तरीका, या अगर आपको खांसी आ गई तो आपको ऐसे करना चाहिए, या आपको एक त्रिविधान में थूकना तो आड़ करके थूकना, ऐसे नहीं थूकना। इसके साथ तमाम चीज़ें थी, बिलौरी खानी तो क्योंकि पूरे हाथ से न खाइए, बिलौरी छोटा सा मुँह खोलिए अच्छा आज जैसे इतना बड़ा मुँह खोल गया, जैसे ये सब तरीके बहुत पुराने थे। पकड़ लिया भाई याद, पूरा होता नहीं, एक चीज़ पूरी नहीं होती, 4-10 तो ताल याद करना है बच्चों पे बहुत। जैसे आजकल के पढ़ाई में जब बच्चा बिस्को लेके जाता है किताबें, तो इतना बड़ा पुलंदा बेटा उसकी कमर टूट, कंधे टूट जाते हैं, बताइए ज्ञान कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस 5 मिनट अगर कुछ और जिज्ञासा अगर हो तो, नहीं तो ये तो अंतहीन। महाराज जी तो दिनों दिन हम 80 पर कदम पड़ गए, अब मुझे लगता फिर से जन्म हुआ मेरा 80 वाला, तो कुछ ऐसी खोज करूं दुनिया के लिए समाज के लिए जिसमें कुछ ऐसी बात बन जाए। मुझे अभी ऐसा महसूस होने लगा कि ये इबादत है, ध्यान है, पूजा है, ये सिर्फ नाच है। लय की हम लोग 3 ताल कहते हैं ना, 3 ताल 16 मास है, मैं उसको होम कुंड कहता हूँ, जिसमें यज्ञ, इसको यज्ञ कहता हूँ। और बजे से ज़्यादा 4 पंडित बैठते हैं, 1 पंडित नाचता है, 5 पंडित मिलके एक तो 3 ताल या कोई जब ताल जब ताल, 5 पंडित मिलके कथा कहते हैं, किसकी, लय की, ताल की, अभिनय की, कथाएँ कहते हैं हम लोग, तो सब कथाकार हैं हम लोग। तो इस तरह समझिए कि एक तो मिल गया तकिट तोड़ लिया, ताकि उसको भी तोड़ लिया,
ताकि दिन लगे उसको तोड़ लिया। कहाँ डाला? तीन ताल के होम में। और डाल के उसके बाद जब उसकी लौट थी तो कहते हैं अब वो संपूर्ण उसकी याद करेगी। तो मैं तो कहता हूँ मैं तो याद करता हूँ, हर हर स्टेज पे याद करता हूँ और मालिक को याद करता हूँ और उनके शरण में जाके इस तरह से चलता है। तो सख्त की तवायफ में बाप है, उनको सुनने के लिए 3 महीने की बुकिंग होती थी, जैसे कोई नई फिल्म की हो 3 महीने बाद आना गाना सुनने। क्या साधना की होगी। और हमारे बहुत सी लोग सीखी है, अब देखिए हमारे मुस्लिम से लेके भांडों से लेके तवायफों से लेके हिंदू से लेके सब सीखे हैं, सब ने सीखा है। अभी गुलाम मुस्तफ़ा महाराज अभी कराची में कुछ महीने पहले डेथ हुई उनकी, वो महाराज लगाते थे गुलाम मुस्तफ़ा महाराज, मेरे पिताजी के शागिर्द थे वो अच्छा महाराज थे, और उन्होंने अच्छी तालीम दी कह सकती कराची में। तो आप समझिए कि इसमें जो यही जो तरीका था, आज भी हम सबको समझाते हैं कि आप नाच के लिए पहले खुद को तो समर्पण करिए, खुद तो झुकिए उसके लिए, जो आपकी विद्या है उसके उसको सोचने के लिए भी आपको झुकना चाहिए कि वो टुकड़ा हम आपकी श्रद्धा करते हैं, आप मेरे दिमाग में आइए फिर मेरे बदन में आइए फिर दिखाई करिए। आप श्रद्धा ही नहीं कर रहे हैं, याद करिए चार से चार के जैसे पहाड़े याद करते हैं, वहाँ पहाड़े याद करने से नहीं होता है, पहले उसके लिए तो झुको जो तुमने याद किया। खाली मेकअप करने से नहीं होगा, स्टेज पर कूदने से नहीं होगा, उस टुकड़े के लिए उस गद भाव के लिए उस परण के लिए आप क्या मेरे पूरा हमें आज हमारे पिताजी के जो भी छात्र थे मैं कहूँ भैया आपको पिताजी ने वो वरण सिखाई जरा बोल दो। हम कहते हैं मेरी ज़ुबान से मेरे गुरु की चीज़ कैसे निकलेगी, चार बार यूँ यूँ करते थे फिर कान पकड़ते अच्छा तुम बेटा कह रहे हो तो सुना देता हूँ, और आँख में आंसू भर लाते थे कहते थे कोई मेरे गुरु की चीज़ है सुनो। इतना आदर इतना प्यार गुरु से। तो ये सब चीज़ें बहुत ऐसी रही है कि गुरु भक्ति। तो आजकल तो स्कूल ही वाले हैं ना, स्कूल वाले आके सीखते थे वही घंटा फटोफट जाओ, घंटा नहीं जिंदगी चाहिए, घंटा पढ़ने का ठीक चलता है। महाराज जी छोटी सी चीज़, आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आपको अगर याद आता है तो कौन सा संघर्ष संघर्ष आपके सामने हुआ आया काल तो, समय कौन सा नहीं नहीं वो तो अब आप समझ लीजिए कि मैं 9.5 साल का था तब भी 10वीं की डेथ हो गई थी। हालांकि मुझे ये भी ज्ञान नहीं था कि अम्मा रोती क्यों है, मुझे बहुत पता नहीं था कि हो कुछ हुआ है ऐसा गड़बड़। तो एक तो वो बड़ा अजीब सा समय था, फिर अम्मा को मैं हरदम संभालता रहा कि उनके आंसू ना आए, मतलब मैं इसी चिंता में रहता था। उसके बाद बड़े से चैलेंजेस आए, मतलब बड़े बड़े थे हमारे डांसर लोग उदय गोपी किशन रोशन कुमारी सितारा दीदी जमयंती सब ये बम्बई के ऐसे मतलब जो अभी एक छोटा सा मैं भी पहुँचा मालिक की बड़ी मान। मैंने कहा देखिए मेरे पिताजी की जो तालीम है मुझे उतना नहीं आता, मुझे और ज़्यादा नहीं आता। तो अखबार में इस दिन लिख के आया कि 4 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद 5वें दिन कथक देखा मैंने, हम लोगों ने कथक देखा।